कीर्ति एक ब्लाइंड गर्ल थी, वो देख नहीं सकती थी। कीर्ति ने स्पेशल स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की, जहाँ पर इसी बच्चे को पढ़ाया जाता था जो देख या सुन नहीं सकते। स्कूल के बाद कीर्ति जब कॉलेज में आ चुकी थी, वहाँ पर सब नॉर्मल था। कीर्ति की कुछ सहेलियाँ उसके घर आने जाने में मदद करती थी और बहुत बार कीर्ति खुद भी कॉलेज आ जाती थी। एक दिन कॉलेज आते समय रास्ते में एक ईंटा का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसे कीर्ति का पैर टकराया और वो गिर गई। तभी एक लड़का भागते हुए आया, कीर्ति को उठाया और पूछा, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो कीर्ति ने उस लड़के को थैंक यू बोला और उस लड़के को बताया कि वो कॉलेज जा रही है और वो खुद ही चली जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इत्तेफाक से वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसके कीर्ति पढ़ती थी। तो उस लड़के ने बताया कि वो भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट है, आप साथ में चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो कीर्ति उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में दोनों के बीच बहुत बातें हुई और दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा। उस लड़के ने अपना नाम शेखर बताया। इसके बाद कॉलेज से आते समय भी यही हुआ कि कीर्ति को वो लड़का मिला और वो दोनों साथ में जाने लगे। ये सिलसिला करीब 15 दिन तक चला और इस सिलसिले के दौरान लड़के को मन में ही मन कीर्ति के लिए प्यार की फीलिंग्स आने लगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और वो दोनों अब घंटों फोन पर बातें करते रहते थे। कॉलेज साथ आते और साथ घर जाते थे। दोनों ने कॉलेज भी कई बार बंद किया। इस समय दोनों के बीच इतने अच्छे बॉन्डिंग बन गई थी कि कीर्ति अब शेखर को बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन दोनों ने कॉलेज बंद करने का प्लान बनाया और उस दिन दोनों कॉलेज बंद करके एक रेस्टोरेंट में गए। वहां जाते ही शेखर ने कीर्ति को प्रपोज कर दिया। इस पर कीर्ति बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि कीर्ति ने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का एक अंधी लड़की को अपना जीवन साथी चुनेगा। कीर्ति ने शेखर के प्यार को अपना लिया। दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी में कीर्ति ने नामी आंखों से शेखर को गले लगा लिया। इसके बाद कॉलेज के वो 2 साल दोनों ने साथ बिताए और कॉलेज के बाद शेखर की अच्छी जॉब लग गई और उन्होंने कीर्ति से बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। शेखर के घर वाले बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने दोनों को अलग करने के बजाय दोनों को सपोर्ट किया और शादी करवा दी। इस समय शेखर और उसके घर वाले कीर्ति का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि वो देख नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। शेखर बहुत खुश था, लेकिन उसकी आंखों तब भरी आती थी जब कीर्ति उसे बोलती कि काश मैं तुम्हें देख पाती। इसके बाद शेखर ने बहुत डॉक्टर के दिखाया और उसे इलाज मिल चुका था, जिसे कीर्ति सब देख सकोगे। बहुत जल्दी कीर्ति की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, जिसे वो सब देख सकेगी। हमें किसी अपाहिज व्यक्ति को उसकी कमी का याद नहीं दिलानी चाहिए, उसे हमेशा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बनता है। हमें भी ज़रूरत है अपने अंदर एक शेखर लाने के। आप लोगों के क्या मंतव्य है ज़रूर बताना। धन्यवाद।